हेलो फ्रेंड्स, एग्री एसपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। मित्रों, पिछली क्विज में हमने बात की थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट टू की क्विज है, और आज बड़े शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास जरूर करना। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा, अनुलेखन हेतु आरंभन कारक है, इनिशिएशन फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है भी, रो फैक्टर, कोर एंजाइम, सिग्मा फैक्टर या ऑल ऑफ द अबव। देखो, एक्चुअल में ये इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर जो भी हैं, इनिशिएशन फैक्टर या मैं बात करूं टर्मिनेशन फैक्टर की, ये फैक्टर जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। भी किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है या अनुलेखन होता है तो उसके अंदर दो कारक हमें आवश्यक होते हैं, एक तो जो शुरुआत करे और एक वो जो समापन करे। तो आरंभन कारक कौन है भी, रो फैक्टर है या कोर एंजाइम है। देखो, आरंभन कारक रो का सिग्नल ये होता है भी और सिग्मा ये है। रो फैक्टर जो होता है बच्चों, ये समापक कारक है, समापक कारक है यानी टर्मिनेशन फैक्टर है। तो आरंभन कारक कौन हो गया, सिग्मा फैक्टर। राइट आंसर क्या हो गया, सिग्मा फैक्टर। और ये कोर एंजाइम क्या है भी, कोर एंजाइम क्या है, विदाउट विदाउट सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर के बिना वो एंजाइम क्या कहलाता है, कोर एंजाइम कहलाता है। और ये यहां पे किसकी बात कर रहा है, यहां पे अनुलेखन, यानी अनुलेखन का मतलब क्या है, अनुलेखन का मतलब क्या है भी, डीएनए से क्या बनना, आरएनए, डीएनए से क्या बनना, आरएनए। तो आरएनए के लिए कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं भी, आरएनए बनाने के लिए, डीएनए के लिए कौन आता है और आरएनए के लिए एंजाइम कौन से काम आते हैं। तो उस एंजाइम के साथ यदि सिग्मा फैक्टर है फिर तो वो पर्टिकुलर एंजाइम है, अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो वो क्या है भी, क्या कहलाएगा, कहला कोर एंजाइम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भी, सेकेंड क्वेश्चन, डीएनए का टेम्पलेट रज्जू कौन सा है भी, डीएनए टेम्पलेट रज्जू। देखो, डीएनए के पास दो रज्जू होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना ये, तो डीएनए का एक जो रज्जू है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जा रहा है, दूसरा किस जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो टेम्पलेट रज्जू वो होगा जहां जिससे आरएनए बनेगा, जिससे क्या बनेगा भी, आरएनए बनेगा। और आरएनए बनाने के लिए एंजाइम, पिछले क्वेश्चन में हम जो बात कर रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा भी, आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज। तो ये कह रहा है भी जिस, इन दोनों में से किससे आरएनए बनने वाला है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर वाले से बनेगा या 5 से 3 वाले की ओर बनेगा, जिससे बनेगा वो टेम्पलेट रज्जुक होगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये टेम्पलेट रज्जुक, कोडिंग रज्जुक, सेंस रज्जुक, एंटी सेंस रज्जुक, इन सब की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे एडिनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे गुआनिन है, थायमिन है, फिर साइटोसिन है और मान लो गुआनिन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा भी, एडिनिन से कौन जुड़ेगा, थायमिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, थायमिन से एडिनिन, साइटोसिन से गुआनिन और गुआनिन से साइटो। अब यहां पे जो बीच में आरएनए बनेगा बच्चों, यहां पर बीच में जो आरएनए बनेगा, अब इसके अपोजिट नाइट्रोजन इशार लगेंगे, नाइट्रोजनी बेस, तो एडिनिन से कौन जुड़ेगा भी, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के अंदर, आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है भी, थायमिन की जगह कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, और कोई चेंजेस नहीं होते। साइटोसिन की जगह क्या जुड़ेगा, साथ कौन जुड़ेगा, गुआनिन,
गुआनिन के साथ साइटोसिन, थायमिन के साथ एडिनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन। तो इस प्रकार से ये आरएनए बनेगा और ये बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आरएनए बनता है इसके ये कोड जो बनेंगे ये इसके आधार पर बनेंगे 3' से 5' की ओर, और ये कहलाता है बच्चों टेम्पलेट रज्जु, टेम्पलेट रज्जु या टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कहलाता है सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी इसको बोल सकते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि देखो इस थायमिन को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी के नाइट्रोजनी बेस देखो वो सेम के सेम ही है जो किसके हैं, आरएनए के हैं, जो किसके हैं, आरएनए के। यानी इस डीएनए के इस स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनी बेस हैं वो इस आरएनए जो नया आरएनए बना है इसके जैसे ही है, सिर्फ एक चेंजेस है जहां पे थायमिन था वहां आरएनए में कौन सा यूरेसिल, इसीलिए इसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं या कोडिंग स्ट्रैंड भी हम बोलते हैं, और जिससे आरएनए बनता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कहते हैं या टेम्पलेट रज्जु कहते हैं, ठीक है भी। और उसकी दिशा क्या होगी 3' से 5' की ओर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अभी, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो सेंस स्ट्रैंड है, कौन सा है सेंस स्ट्रैंड, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन होगा, ये होगा। तो इसके ये दोनों तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी, स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, एक्सॉन को हटाना, इंट्रोन को हटाना, MG PPP मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट की कैप लगाना या पॉलीएडेनाइलेट की पूंछ लगाना या टेल लगाना, टेल को मतलब पूंछ। तो इसमें से पूछा स्प्लाइसिंग क्या है। देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो कोई संशय नहीं है भी, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर तो आरएनए सिंपली बन ही जाएगा, परंतु यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होता है ये सिस्टम, कैसे देखते हैं। देखो यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना इसके अंदर कई प्रकार के हमें आरएनए बनाने पड़ते हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है तो ये कौन सा आरआरएनए बनाएगा, आरआरएनए। अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है तो ये बच्चों बनाता है हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये कौन सा बनाएगा, अभी ये टीआरएनए बनाएगा। अभी हमें एमआरएनए बनाना है, एमआरएनए किससे बनेगा, एमआरएनए बनेगा एचएनआरएनए से, एमआरएनए किससे बनता है एचएनआरएनए से। और ये यहां पे कुछ प्रोसेस होते हैं और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इस बार इस प्रोसेस से क्वेश्चन आपको पूरी पूरी संभावना है, जेट में आईसीआर में या बीएचयू के अंदर वो पूछ ही लेगा आपसे। अब कैसे, जैसे मान लो आपका ये डीएनए है और इससे आरएनए बन के बाहर आ रहा है, इस रज्जु से आरएनए बन के बाहर आ रहा है, तो भाई ये जो आरएनए है इसके सबसे आगे तो एक कैप लगती है ताकि इसको कोई न्यूक्लियस एंजाइम जो है खत्म ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो बच्चों ये कैप जो लगती है ये कैप कहलाती है MG PPP की, मिथाइल मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट, ट्राइफोस्फेट। एक तो कैप लगी, एक इसके अंदर दो चीजें होती हैं, कुछ भाग तो इसका एक्सॉन होता है और कुछ भाग इंट्रोन होता है। जो ये खाली भाग है ये इंट्रोन है और ये जो लाइनिंग मैंने बनाई है मान लो ये क्या है, एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन जो है ये तो क्रियात्मक भाग है भी,
इसका क्या है, क्रियात्मक भाग है, फंक्शनल है। और ये इंट्रोन जो है ये नॉन फंक्शनल है, अक्रियात्मक है, यानी इसका कोई रोल नहीं है। अब हमें ऐसा एमआरएनए बनाना है जो जिसके पास सिर्फ एक्सोन हो, क्रियात्मक भाग हो, अक्रियात्मक भाग की उस आरएनए में कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये अगले स्टेप में क्या करता है, अगले स्टेप में क्या करता है, ये इन एंट्रोन को काट देता है, इन एंट्रोन्स को यहां से क्या कर देगा, काट देगा, इंट्रोन्स को हटाना, इंट्रोन को हटाना, रिमूवल ऑफ इंट्रोन, रिमूवल ऑफ इंट्रोन जो है ये क्या कहलाएगा, स्प्लाइसिंग कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग। और इसके लिए एंजाइम जो काम आता है, एंजाइम जो काटने हेतु काम आता है, वो उसको हम बोलते हैं स्नप्स, क्या बोलते हैं, स्नप्स। और वापस एक्सोन को जोड़ने का जो काम करेगा, एक्सोन को पुनः जोड़ता जो है, तो आणविक गोंद जोड़ता है भी, और उसका नाम कौन है बच्चों, लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लू जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही इंट्रोन हटेंगे तो हमारे पास जो आरएनए बचेगा उसके पास सारे के सारे क्या होंगे, एक्सोन होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, एक्सोन होंगे। और इसके आगे एक कैप लगी होगी जिसको बोलते हैं एमजी, एमजी ट्रिपल पी की, और पीछे एक पूंछ लग जाएगी भाई, जिस पूंछ को बोलते हैं पॉली ए, पॉलीएडेनाइलेट की टेल लग जाएगी। और साथ में हमने क्या कर दिया, स्प्लाइसिंग कर दी, इंट्रोन को हटा दिया। तो अब ये जो आरएनए है ये कहलाएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कहलाएगा बच्चों। और इससे पहले जिसके साथ इंट्रोन थे, कैप नहीं लगी थी, टेल नहीं लगी थी, वो कहलाएगा एचएनआरएनए, वो क्या कहलाएगा, एचएनआरएनए। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो भाई ये देखो, आरएनए पॉलीमरेज ने एचएनआरएनए बनाया, इसकी प्रोसेसिंग हुई, तो हमारे पास क्या आ गया, एमआरएनए आ गया। प्रोसेसिंग में क्या क्या भाग हुए, कैप लगी, स्प्लाइसिंग हुई और टेल लगी। अब ये सुरक्षात्मक दृष्टि से मजबूत हो गया, क्योंकि इसके टेल के कारण एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कोई भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एंडोन्यूक्लियस नहीं कर सकता, और इसका नॉन फंक्शनल पार्ट भी हमने रिमूव कर दिया है। तो यूकैरियोटिक के अंदर एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, उसकी प्रोसेसिंग है। और इससे ही संबंधित ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था स्प्लाइसिंग क्या है, व्हाट इज द स्प्लाइसिंग। तो इंट्रोन को हटाना स्प्लाइसिंग है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमारे क्लियर हो रहे हैं। इवन हमने एंजाइम भी बता दिया भी, इसको स्नप्स एंजाइम्स के द्वारा हटाया जाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30th सब यूनिट में आरआरएनए होता है, अगला ये जो क्वेश्चन है हमारा पूछ रहे हमसे, 30th जो है सब यूनिट जो है, उप इकाई जो है, उप इकाई, इसके अंदर कौन सा आरआरएनए होता है। ठीक है, तो राइबोसोम आरएनए से बना होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो उन आरएनए को क्या बोलते हैं, आरआरएनए। अब ये पूछ रहे हमसे 30th, तो बच्चों आपको पता है अभी दो प्रकार के हमारे पास राइबोसोम होते हैं, एक तो होते हैं 80s और एक होते हैं 70s। 80s राइबोसोम जो है वो केवल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, और 70s जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जगह होते हैं। एस का मतलब यहां पे क्या है भी, एस का मतलब स्वेडबर्ग है, एस का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग। 80s दो उप इकाइयों से बना होता है, बड़ी और छोटी। उसी प्रकार 70s भी दो उप इकाइयों से बना होता है, बड़ी और छोटी।
आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे जो पूछे गए हैं। तो 80S दो उपइकाइयां हैं, कौन कौन सी? अभी एक तो है 60S और दूसरी है 40S, और 70S जो है वो दो उपइकाइयां कौन सी है? बड़ी वाली 50S है और छोटे वाली 30S है। यहाँ पे हमें इसने नहीं बताया अब ये 70S की बात कर रहा है या 80S की बात कर रहा है, इसने डायरेक्ट 30S पूछा है, तो हमें पता है अभी ये किसकी बात कर रहा है, 70S की स्मॉल सब यूनिट की, 70S राइबोसोम की छोटी उपइकाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से आरएनए? अभी ये जो 60S जो होता है ना बच्चों, इसके अंदर होता है 28S, और 40S के अंदर जो होता है 18S आरआरएनए। इसमें 5.8S भी होता है और 5S भी होता है। ये 50S जो है इसके अंदर 23S, और जो 30 है जो है बच्चों इसमें 16S आरआरएनए होता है। तो इन चारों में से आपसे कोई भी पूछ सकता है अभी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16S। बाकी के क्या हो गए भाई? गलत। तो इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सोल्यूबल आरएनए है। ये तब की बात कर रहा है जब जेनेटिक कोड्स की खोज नहीं हुई थी, ठीक है? जेनेटिक्स कोड की खोज नहीं हुई थी, तो एक ऐसा आरएनए था जिसे हम सोल्यूबल आरएनए भी मानते हैं, राइबोसोमल आरएनए, जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए का मतलब किसकी बात कर रहा है भाई? एमआरएनए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एमआरएनए की बात कर रहा है। तो ये भी हमारा, हमें पता होना चाहिए भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जेनेटिक आरएनए कौन सा है, तो एमआरएनए होता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए की इंफॉर्मेशंस रहती हैं, निहित रहती हैं इसमें, डीएनए की अनुवांशिक सूचना। राइबोसोमल आरआरएनए जो है बच्चों, आरएनए है, ये मोस्ट एबुंडेंट है, सर्वाधिक सर्वाधिक पाए जाने वाला, यानी 60 से 70%। और इसके कई प्रकार जो है, इसका प्रकार जो है, अभी जो हमने पढ़े 28S और जो 23S हैं, ये सबसे लंबे आरएनए भी हैं, सबसे लंबे आरएनए, लॉन्गेस्ट आरएनए की श्रेणी में आते हैं। एमआरएनए जो है ये बड़ा कम, लगभग 5% के आसपास जो है पाया जाता है टोटल आरएनए का। सबसे छोटा आरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है भी, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, और ये लगभग 15% के आसपास होता है टोटल आरएनए का, ठीक है? इसके न्यूक्लियोटाइड भी हम बता सकते हैं भी, 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये टीआरएनए होता है, टीआरएनए। तो ये सोल्यूबल आरएनए वाला जो क्वेश्चन है भी, ये संबंधित है टीआरएनए से, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है? परंतु ये चीज ध्यान रख लेना कि आपका इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राइबोसोम टीआरएनए के किस लूप से जुड़ता है? तो भाई टीआरएनए इस प्रकार की एक शेप है, आपको पता है, इस प्रकार के लूप इसमें पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है ये है एंटीकोडोन, इसको क्या बोलते हैं भी? एंटीकोडोन। ये अमीनो अम्ल बंधन स्थल है, अमीनो अम्ल बंधन स्थल, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। ये इसका जो लूप है इसको बोलते हैं डीएचयू आर्म, डीएचयू भुजा। ये जो लूप है ये कहलाता है टी साई सी लूप, साई ये है वेरिएबल आर्म,
वेरिएबल आर। ये एंटीकोडोन जो है ये एमआरएनए के कोड से जुड़ता है, अभी एमआरएनए से जुड़ता है और ये अपने ऊपर जो है पर्टिकुलर अमीनो अमल लेकर जाता है। अब हमसे पूछा है भी राइबोसोम से कौन जुड़ता है, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री है। और ये बात कर रहा है भी जब ये टीआरएनए आता है तो जैसे ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, तो जब टीआरएनए यहां आता है तो ये पूछ रहा है भी राइबोसोम से कौन सी यूनिट से किस लूप से जुड़ता है। ये टीआरएनए आ गया, इसमें यहाँ पे टनल होती है आपको पता है, जिससे अमीनो अम्ल जहां पे रहते हैं और बाहर निकलते हैं। तो ये पूछ रहा है भी ये टीआरएनए राइबोसोम के किस साइड से जुड़ता है, तो किससे जुड़ता है भी। तो बच्चों ये जो आरम है यहां पर एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है, सिंथेटेज एंजाइम जो है जुड़ता है, यहां पे अमीनो अमल जुड़ता है, यहां ये भाग एमआरएनए से जुड़ता है, तो इसका राइट आंसर है टी साई सी लूप, टी साई सी लूप। ठीक है, तो डी लूप नहीं है, वेरिएबल आर्म नहीं है, टी साई सी लूप इसका राइट आंसर ये नहीं है। वेरिएबल आर्म का हमें कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, कार्य ज्ञात नहीं है, बाकियों के हमें कार्य ज्ञात है। तो हमने ये दिखा दिया भी एमआरएनए से यहाँ पे अमीनो अमल होगा, यहाँ पे अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है जो अनुलेखन में काम आता है, और ये है टी साई सी लूप जिससे कौन जुड़ता है बच्चों, राइबोसोम जुड़ता है, ये राइबोसोम से इस लूप के सारे जुड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यानी आरएनए का पात्र संवर्धन किसने किया था भी, किसने सिंथेसिस किया था, सिंथेटिक आरएनए किसने बनाया था, कोर्नबर्ग ने, अल्टमान ने, ओकाओ ने, मिशर ने। तो मिशर का तो आपको पता ही है, पिछली क्विज में हमने देख लिया था, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी भी, न्यूक्लिक एसिड, और इन्होंने टर्म क्या दी थी, न्यूक्लिन, टर्म क्या दी थी, न्यूक्लिन। अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दी, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। कोर्नबर्ग भाई साहब ने डीएनए सिंथेसिस किया था इन विट्रो कंडीशन में, तो बच गया कौन, ओकाओ, बाकी के गलत हो गए, ओकाओ ने किया था भी। और कोर्नबर्ग, एक चीज और ये भी ध्यान रखना, कोर्नबर्ग प्लस ओकाओ इन दोनों को नोबल पुरस्कार मिला था भी, क्या मिला था, नोबल पुरस्कार 1959 में, किसके लिए, डीएनए और आरएनए का इन विट्रो सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुवादन हेतु आरंभन कोडोन कौन सा है, इनिशिएशन कोडोन यूएए, यूएजी, यूजीए या एयूजी। तो बच्चों ये जो तीन जो हैं, ये तीन समापक कोड हैं, समापक कोडोन, और ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते भी, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। और इनको याद रखने का तरीका है, यू आया आया, यू आया गया, यू गया आया, यू आया आया, यू आया गया, और यू गया आया, ये है इनिशिएशन कोड। और रेयरली, कभी कभार, रेयरली जी यू जी भी इनिशिएशन कोड देखा गया है भी, इनिशिएशन कोडों
के रूप में देखा गया है, पाया जा सकता है। कौन सा? जीयूजी। और इनिशिएशन आरंभन कोड जो है ना, आरंभन कोड अमीनो अम्ल को भी कोड करते हैं, अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। परंतु समापक कोड किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। तो ये एयूजी मिथ्योनिन को करता है भी, किसको करता है? मिथ्योनिन को। और वेलिन जो है, सॉरी जीयूजी जो है ये वेलिन को करता है। आपसे ये भी पूछ सकता है भी ये जो इनिशिएशन कोडोन है ये कौन से अमीनो अम्ल को? मिथ्योनिन को कोडोन कोड करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा? निम्न में से अनुवांशिक की कूट की विशेषता है, सेलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। सेलियंट फीचर क्या क्या हो सकते हैं? ट्रिपलेट है, बिल्कुल है जी, यस। अभी हमने देखा जैसे ए यू जी, जी यू जी, ठीक है, यू यू यू, यू ए, इस प्रकार से। तो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। 64 कोड है और इन 64 में से 61 जो है ये अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, और जो 3 कोड कोडोन जो है अनुवांशिक कोड, 3 जो है ये समापक है और ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। यूनिवर्सल है, बिल्कुल है जी। यानी अगर एयूजी हमारे अंदर मिथ्योनिन को कोड करता है तो पीपल के पेड़ में, चूहे में, कहीं और बैक्टीरिया में भी किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन को ही करेगा। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो कोडोन है ये सभी के लिए सेम होते हैं, यूनिवर्सल है। कोमालेस है, बिल्कुल है जी, क्योंकि आपने देखा भी है अगर एमआरएनए होगा तो उस पर कंटिन्यू जेनेटिक कोड होंगे, कंटिन्यू होंगे, कोमा बीच में नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा। गैप आती तो फिर हमें दूसरी प्रोटीन बनने लग जाएगी, क्योंकि हमने इंट्रॉन्स को तो हटाए दिया, सारे एक्सोन ही रखे हैं, क्रियात्मक ही रखे हैं, तो ये कोमा लेस होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसके सेलियंट फीचर में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जोड़ने हेतु आवश्यक कौन है? और राइबोसोम का दोनों इकाइयों का जुड़ना एसोसिएशन कहलाता है भी। और यह एसोसिएशन, यह जुड़ाव अनुवादन के समय होता है, अनुवादन के समय होता है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। दोनों इकाइयां अलग अलग होती हैं, परंतु जब इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो इन दोनों को ये जुड़ जाती हैं और इसको बोलते हैं एसोसिएशन, और ये जब वापस अलग होती हैं तो उसको बोलते हैं डिसएसोसिएशन, डिसएसोसिएशन। अब ये पूछ रहा है भी एसोसिएशन के लिए कौन सा आवश्यक है, कैल्शियम, मैग्नीज, फेरस या मैग्नीशियम, कौन है भी? तो इसके राइट आंसर क्या होगा? ये बाकी के 3 क्या हो गए बच्चों? गलत है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भी? अमीनो एसिड को विशिष्ट टीआरएनए से कौन जोड़ता है भी? हेलिकेज, लाइगेज, ट्रांसलोकेज या अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक। तो अनुवादन की बात कर रहा है, ट्रांसलेशन की ये बात कर रहा है। ट्रांसलेशन में आपको पता है अभी कई चीजें चाहिए हमें, ट्रांसलेशन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी चाहिए? पहली चीज जो है वो है अमीनो अम्ल। बिना अमीनो अम्ल के किसका ट्रांसलेशन करेंगे? दूसरा है टीआरएनए, तीसरा है राइबोसोम,
चौथा है एमआरएनए और पांचवा है ये एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये बड़े तरीके से जोड़ता है बच्चों, कैसे, जैसे आपके पास अमीनो अम्ल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एंजाइम जो है ये एटीपी की प्रेजेंस में, एक तो एंजाइम कौन सा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज और ये एटीपी होगी, ये अमीनो अम्ल हो गए, ये इसको अपने साथ जोड़ लेंगे ए ए ए एम पी ई, ये एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे अमीनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है जैसे ही टीआरएनए के संपर्क में आएगा प्लस टीआरएनए, तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये अमीनो अम्ल को किससे जोड़ देगा, टीआरएनए। तो हमें अमीनो अम्ल के साथ क्या चाहिए, टीआरएनए, और टीआरएनए ले जाएगा राइबोसोम पर और एंटीकोडोन के साथ फिट होकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोसेस है, तो ये एंजाइम कौन सा है भी, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है, अब एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपके भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए की कौन सी इकाई अनुलेखन हेतु नहीं है। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो आपको पता है भी, इसके तीन रीजन हम डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर और जो ये बीच की होती है ये होती है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, संरचनात्मक जीन, ये तीन भाग जो हैं यहां से आइडेंटिफिकेशन होता है, यहां पे आरएनए बनता है और इस जगह पर खत्म हो जाता है, तो ये तीन रीजन है। तो इसमें से कौन सा नहीं है भी, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है, प्रमोटर है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, बाकी के क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इंड्यूसर जो है, इंड्यूसर क्या, जब लेक ओपेरियन पढ़ते हैं आपके जेट के सिलेबस में तो नहीं है, तो जो रिसेसिव एमआरएनए होता है, रिप्रेसर, मतलब हमेशा ही नहीं चलता अनुलेखन, जब किसी चीज की डिमांड आती है तब चलता है, तो वो इंड्यूसर क्या है, उसको इनएक्टिव कर देता है रिप्रेसर, फिर वो काम चलता है। तो पर ये जो है अनुलेखन की तीन इकाइयां हैं, कौन कौन सी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, इंड्यूसर नहीं है। ठीक है, अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। यदि डीएनए में सीटीसी क्रम की जगह सीएसी हो जाए तो कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ेगा। देखो ये अलग सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, पर मैं यहां पर समझाना चाहता हूं आपको, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी जो है बाइकनकेव से सिकल सेप्ड हो जाती है, हसियाकार हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, हसियाकार क्यों हो गई, तो ये हसियाकार, ये सिकल सेल एनीमिया जो है ना बच्चों, ये पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है। एक तो कौन सी म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, इसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, यानी डीएनए का एक नाइट्रोजनी बेस गलत जुड़ने से ये इतनी बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है, डीएनए के अंदर एक क्रम है सीटीसी, उसकी जगह क्या हो गया, सीएसी हो गया। देखो अगर आपके डीएनए में मान लो एक क्रम है सीटीसी, तो इससे जो आरएनए बनेगा तो कौन सा बनेगा, अभी सी के साथ कौन जुड़ेगा, गुआनिन,
थायमिन के साथ एडिनिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन। तो कौन सा आरएनए बनेगा जिस पर क्या कोड होगा? जीएजी। और जीएजी जो है बच्चों ये ग्लूटेमिक अम्ल को कोड करता है। और ये जो क्रम है ये जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, बीटा चेन जो है उसके अंदर पाया जाना जरूरी है। तो ये नॉर्मल आरबीसी बनाएगा फिर, जैसी आरबीसी होती है। परंतु यदि इसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया और सीटीसी की जगह वो कह रहे जी सीएसी हो गया, यानी थायमिन की जगह गलती से क्या लग गया, एडिनिन लग गया किसी व्यक्ति में, तो अब आरएनए क्या बनेगा, सी से कौन जुड़ेगा, जी, ए से कौन, एडिनिन से यू और सी से जी, जीयूजी। अब जीयूजी जो है बच्चों ये वेलिन को कोड करता है, गलत अमीनो अम्ल जुड़ गया अभी, जहां पे ग्लूटेमिक अम्ल होना चाहिए था वहां पे कौन जुड़ गया, वेलिन। अब ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन गलत हो जाएगी, गलत होते ही आरबीसी जो है असियाकार हो जाएगी, सिकल सेप्ड हो जाएगी। इस प्रकार होनी चाहिए थी बाइकन के उभ्यावतन। तो एक छोटी सी गड़बड़ कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। तो ये है पॉइंट म्यूटेशन, एक ही तो नाइट, बाकी सारा डीएनए सही है, बस क्या हुआ डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम थायमिन की जगह जो नया डीएनए बना उसमें एडिनिन लग गया एक जगह, सिर्फ एक नाइट्रोजनी बेस गलत हुआ। गलत होते ही रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि डीएनए में सीटीसी की क्रम की जगह सीएसी हो तो कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ेगा भी, तो कौन सा जुड़ेगा, वेलिन जुड़ेगा, जिसके कारण आरबीसी जो है हसियाकार हो जाएगी। जुड़ना कौन सा चाहिए था, ग्लूटेमिक अम्ल जुड़ना चाहिए था। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूं ये क्विज आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। इसी प्रकार हमारा जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट जो कंप्लीट होते हैं, और ये जो सेकंड पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जेट के अंदर सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में दिया हुआ है, डीएनए की थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारियां, रेप्लिकेशन नहीं है, लैक ऑपरेन मॉडल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों था ये सारी बातें नहीं है, परंतु ये स्पेशल दिया हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को जेट में विशेषता पढ़ना है, आईसीआर बीएचयू में तो ये सारा आएगा ही, उसमें तो पूरा डीएनए वाला चैप्टर भी आएगा। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट क्विज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।